बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर लगातार चौथी बार अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं। इस वर्ष नरेंद्र बंछोर निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। साथ ही महासचिव पद पर निर्वाचित हुए परमिंदर सिंह ओए के इतिहास में सर्वाधिक मत हासिल किए हैं। ओए अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर ने अपने पूर्व के कार्यकाल और भविष्य में अधिकारियों के हितों से जुड़े किए जाने वाले कार्यों को लेकर ग्रैंड एसे न्यूज से खास चर्चा की। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर जो पिछले कुछ दिनों से सरगर्मी बनी हुई थी उसका समापन हो चुका है। चुनावी नतीजे घोषित हो चुके हैं जिसमें महासचिव पद के जो चुनाव हुए थे उसमें चूंकि अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का जो है उनका निर्विरोध निर्वाचन हो चुका था। महासचिव और कुछ अन्य पदों के लिए चुनाव हुए हैं कल, जिसमें महासचिव के पद पर दोबारा परविंदर सिंह महासचिव चुने गए हैं। बीएसपी के अधिकारियों ने परविंदर सिंह को पर विश्वास जताते हुए अपना बहुमूल्य मत उनके पक्ष में दिया है। इसी तरह एन के बंछोर जो पिछले 4 सालों से बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन का कार्यभार संभाले हुए हैं उन पर और बंछोर सर की पूरी टीम पर बीएसपी के अधिकारियों ने विश्वास जताते हुए उस टीम को पुनः एक बार काबिज कर दिया है सत्ता पे, बीएसपी की सत्ता पे एक प्रकार से कहा जा सकता है। क्योंकि इसके पीछे क्या उपलब्धियाँ रही हैं, बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अधिकारियों के हित में किस तरह के कार्य किए गए, आने वाले समय में उनकी क्या कार्य योजना है जिससे वर्तमान सेवारत अधिकारियों और सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों और उनके परिजनों को किस तरह की सुविधाएँ मिल सकेगी, इन सभी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर जी और महासचिव परविंदर सिंह जी। आइए हम इन्हीं से जानते हैं इनकी आगामी योजनाओं को। सर, सबसे पहले आपका ग्रैंड एशियन न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए और आज हमारी पूरी टीम 2025 के जनरल के लिए चुनाव जीतकर वापस लौटी है। आप सबकी जनभावनाओं का मैं आदर करता हूँ और जो अधिकारियों ने 10% के अधिकारियों ने जो विश्वास हमारी टीम पर जताया उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, उन भावनाओं पर खरा उतरता है। क्योंकि सर आप पिछले लगातार 4 वर्षों से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और आप सीधी चेयरमैन भी हैं, तो किस तरह से सर आपको लगता है आपके द्वारा टीम से अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर किस तरह से शुरू से जो आप प्रयासरत रहे हैं अधिकारियों के तमाम सुविधाओं को लेकर के, उसमें आपको क्या लगता है क्या कुछ अभी शेष है, क्या आपको आगे करना है? बिल्कुल सही कहा आपने कि जब मैंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाई तो हम एक कठिन दौर से गुजर रहे थे और मेरी टीम लगभग वही टीम है जो उस समय थी। ये समय था अक्टूबर 2015 का जब हम लोग मैं पहली बार अध्यक्ष पद के चुनाव में जीता और उस समय से लेकर आज तक तब ये चौथी बार मुझे मौका मिला है इस कार्यकाल में आने का। तो 2015 से लगातार हम लोग ने जो प्रयास किए उन विपरीत परिस्थितियों में जो मुद्दे हल किए उस पर सभी अधिकारियों ने हिम्मत लगाया। मुझे अच्छे से याद है उस समय हम 3P की बात करते थे, जो उस समय सेकंड PRC में हम लोग का पे स्केल रिवाइज नहीं हुआ था E1A2 का, उसके लिए हम लोग ने प्रयास किया। E1A2 का पे रिवाइज हुआ 2017 में, उसका आदेश आया। दूसरी बात करते थे पेंशन की, उस पर हम लोग ने काफ़ी काम किया। आपको ये भी बताना है, मुझे लगता है कि एक ऐसी लड़ाई हमने लड़ी जो सड़क से चालू हुई थी, जिस पर मेरी पूरी कमेटी ने और पूरे भिलाई बिरादरी ने सहयोग किया। पहली बार एसोसिएशन को कुछ मुद्दों को लेकर जो काफ़ी समय से लंबित थे हम लोग ने एक बार वुमेन चैन बनाया, एक बार वॉक फॉर सपोर्ट किया और उसका पूरा सहयोग उस समय हमको मिला। उसके बाद से मैनेजमेंट ने हम लोग की बातें सुनी, सेफ्टी में मैं महासचिव के पद पर उस समय आया। उसके समय से लेकर अभी तक हर मुद्दे पर हमने प्रयास किया। जो उस समय के मुद्दे थे जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने कहा कि इवन के स्केल का हम लोग को रिवाइज करना था, महारत्ना गेट पर लाना था, हुआ। उस समय जो 20,600 का स्केल था वो 24,900 का स्केल हुआ, जो 24,900 का स्केल था उसको 19,100 का स्केल बनाया गया। उसके बाद पेंशन स्कीम पर बहुत काम किया, पेंशन स्कीम पर अधिकारियों के साथ कर्मचारियों का भी हक था, हमने पूरी लड़ाई लड़ी। हम इस जंतर मंतर पर बैठे, हमने प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपनी गुहार लगाई, प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा से उससे हम लोग की वार्ता हुई, चर्चा हुई और उसके बाद थर्ड पेरिजन हमारा डिले हुआ लेकिन हम लोग का पेंशन उसके बाद चालू हुआ। पेंशन स्कीम का फायदा सभी को मिला। जो पेंशन स्कीम जब सेल के पास 25,000 करोड़ रुपये कैश था उस समय नहीं हो पाया, हमने विपरीत परिस्थिति में उसको चालू कराया और आज सभी अधिकारियों कर्मचारियों को उनका पेंशन स्कीम का सेल पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। ये हम लोग की बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि उस समय ये रुका हुआ था तो हम करा पाए। इसके साथ साथ कोई वैसे इशू थे जिस पर काफ़ी समय से काम नहीं हो पाया था, जिसमें आपको कहूँ कि ईयर इन्वेस्टमेंट काफ़ी समय से बंद था वो चालू कराया, फर्निशिंग अलाउंस काफ़ी समय से बंद था वो चालू कराया, हमारे अधिकारियों के
ऐसे मुद्दे थे जिस पर उस समय से विचार नहीं हुआ था, एनोमली का मतलब उसको हमने ऐसा प्रयास किया कि कम से कम संतोषजनक हल निकले। तो पहले उनको एनोमली अमाउंट दिलाया, बाद में एक संतोषजनक हल के लिए प्रयास किया, इसमें हम लोग काफ़ी कामयाब रहे कि समाधान उस मुद्दे का हम निकाल पाए। तो ऐसे ऐसे मुद्दे थे जिन पर काफ़ी गहन चिंतन किया, हमने काम किया। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमारे आने वाले भविष्य की चिंता थी, तो हम लोग ने कोशिश की कि हमारा जो थर्ड पेरिजन है वो इम्प्लीमेंट हो। तो थर्ड पेरिजन के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, अफोर्डेबल क्लास को हटाकर जो प्रयास था उसको हम सफल नहीं हुआ। सरकारी सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रियों से हम लोग ने 2018 से पहले काफ़ी गुहार लगाई, लेकिन जब नहीं हो पाए तो हम लोग ने दूसरे तरीके से प्रयास किया। माइंस के लिए हमने प्रयास किया कि माइंस का जो फाइंस उसे बेचा जाए, उसके लिए हम लोग इस बात मंत्री से मुलाकात की 2019 को। उसके बाद से लेकर आज तक अब देखेंगे कि पर्यटन का दो चरणों का सेल ने टर्न अराउंड किया, हम लोग का पे रिजन 2021 में हो पाया और अच्छा पे रिजन जो एट पार महारत्न दूसरे महारत्न कंपनियों के बराबर है। इसके साथ साथ उसमें जो बेनिफिट पर्स में है वो पूरे बेनिफिट उसमें दिए गए हैं, हम लोग की बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद साथ हम लोग ने जितने हमारे दूसरे आयाम हैं जिस पर हमको काम करना था, जैसे ईएल इंकेशमेंट और एचपीएल इंकेशमेंट के सुपरवाइजेशन के समय केंद्र सरकार ने एक लिमिट बांधी हुई थी कि जो 3 लाख रुपये हमारा जो भी हमको इंकेशमेंट का बेनिफिट था वो टैक्सेबल होता था, उस टैक्स लिमिट को बढ़ाया गया, वो 25 लाख हो गया। तो करीब करीब अप्रैल 2023 के बाद से जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी संबंधित होते हैं उनका टैक्स बेनिफिट बढ़ गया। केंद्र सरकार ने इसके लिए सहयोग किया, हमने कभी प्रयास किया इसके लिए। और एच ए पर्स में हमने प्रयास किया, एच ए पर्स में जब थर्ड पे रिजन में हम लोग आए तो आज की तारीख में जो भी एच ए पर्स हमारे जो कंपनी के अधिकारी हैं उनको कंपनी पास में क्वार्टर में रहते हैं, उनको उसका आधा कंपनी वहन करती है, आधा इंडिविजुअल वहन करता है। एक हमारा प्रयास था जिस पर हम सफल हो पाए। आर ई एल इंकेशमेंट हर साल हमको दिया जाता है, पी आर पी में गणना बदली गई, पी आर पी गणना सेकेंड पी आर सी में त्रुटिपूर्ण थी, उसके लिए हमने थर्ड पोजिशन कमेटी से गुहार लगाई और आज सी ग्रेड वालों को भी पी आर पी मिल पा रहा है। ये हमारा प्रयास था कि सभी लोग मिलकर काम करते हैं। इस्पात संयंत्र में अगर स्टील बनता है तो उसके लिए सभी लोग कारक होते हैं, किसी एक इंजीनियर से नहीं हो सकते। तो हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किया और आज पूरे पी आर पी गणना बदल गई, फार्मूला बदला गया और एक लाभ हमारे साथियों को उसमें मिल रहा है। तो हम लोग इसके लिए हमेशा प्रयास रहते हैं। टाउनशिप की स्थिति आप देखिए, टाउनशिप में अवैध कब्जे को हटाना, डिसिप्लिन देना, हम लोग थोड़ा बहुत काम किया है, ये प्रयास हमारा हमेशा जारी रहा। हम लोग हर क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, तो हमारा वही प्रयास है कि हमारे अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव परविंदर सिंह जी, आगे हम उनसे भी कुछ सवाल करते हैं। पर सबसे पहला सवाल आपसे कीजिए, क्योंकि बंचोर जी और अंकुर मिश्रा जी का निर्वाचन निर्भर हो चुका है, तो आपके द्वारा किस तरह से तैयारी की गई चुनाव को लेकर के और क्या आपकी कार्य योजना थी, क्या अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से निश्चिंत है? हम लोग अपने जो 2 साल में अपने एग्जीक्यूटिव्स करने एग्जीक्यूटिव करने के लिए काम कर पाए, तो जमीन से जो हम लोगों ने काम किया वो एक बड़ी उपलब्धि थी हमारे, बड़ी उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाया हम लोगों ने और हर एक आदमी से कनेक्ट होने की कोशिश की। तो जब आप हर एक आदमी से कनेक्ट होते हो तो क्या कर रहे हो, कैसा आपका रिस्पॉन्स है, वो चीज़ फील आता है। तो हमें पूरा विश्वास था कि हम लोग एक बार चुनाव में आएंगे तो भारी बहुमत से हम जीतेंगे, ये हमारा विश्वास था और हम लोग अंततः उसमें सफल भी हुए। काफ़ी बड़ी मार्जिन से जीत हुई है, 1232 वोट वही की हिस्ट्री में पहली बार जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन में किसी को प्राप्त हुआ है। हमारी लीडरशिप ऐसी थी कि उन्होंने अपने आने वाली सक्सेशन बुक में सक्सेशन प्लान्स रहते हैं कि इसके बाद नई जनरेशन को हैंड ओवर करना है। हमारे अध्यक्ष ने उस चीज़ के लिए काफ़ी परिपक्व सोच रखते हुए लोगों को तैयार किया था, उसी के परिणाम से हम लोग इतनी अच्छी मतलब स्थिति में है और अच्छी जीत प्राप्त कर रहे हैं। सर दूसरा सवाल आपसे ये कि इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक जो उपक्रम है उनके निजीकरण का जो प्रयास किया जा रहा है सर, उसके उसे आप कहाँ तक सर उचित मानते हैं? मैं सिटी का चेयरमैन भी हूँ और इसके लिए सेफी ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। सेफी स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया जो इस्पात मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त एक अधिकारियों का संगठन है, और सेफी ने जो पीक कोरोना था, आप याद करिए अप्रैल का जो सेकंड फेज था 2021 का, उस समय भी जब वाइजेक स्टील प्लांट का डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई, उससे पहले NINL की बात चल रही थी, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया जंतर मंतर को, उसके लिए हम लोगों ने अपने एफएस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक रैली भी निकाली। तो हम लोग का प्रयास बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूँगा कि सेफी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ओ का जो एक्सपॉडी सेफी, जिसमें हम लोगों ने ये रिजोल्यूशन लिया
हमारे सभी उस समय के 48 मेंबरों ने उसमें साइन किया, रेजोल्यूशन लिया कि हम इसका विरोध करते हैं और हम इसकी जगह हम चाहते हैं कि इस बात की जितनी कंपनियां सभी लोगों की उनका संयोजन और रणनीतिक विलय हो और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उसके बाद से लगातार इस्पात मंत्रालय को, प्रधानमंत्री कार्यालय को इसके लिए हम लोग ने अपने आवेदन लगाए हैं और रिक्वेस्ट है। हम लोग ने काफ़ी सांसदों के लिए मुलाकात भी की, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने भी इस पर प्रश्न लगाया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब रेजोल्यूशन हमने लिया था वो 4 अप्रैल 2021 था, उसके बाद ये क्वेश्चन पार्लियामेंट में भी लगा। 15 दिसंबर 2021 को सेफी के रेजोल्यूशन को पार्लियामेंट में पढ़ा गया कि सेफी ने जो रेजोल्यूशन दिया उस पर इस्पात मंत्रालय का कहना है। उसके बाद से लेकर आज तक इस रेजोल्यूशन पर चर्चा होती है लोकसभा राज्यसभा। हम लोग ने पूरा प्रयास किया, हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बात को समझेगी। जिस तरह से बैंकों का सम्मिलन किया अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए, आज की तारीख में इस्पात सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों को रणनीतिक तरह से विलय किया जाए या समायोजन किया जाए, तभी हम अपने इस्पात क्षेत्र को बचा पाएंगे। और मैं इस बात को मानकर चलता हूँ कि इस्पात क्षेत्रों का जो कार्य है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य जो 1955-60 के बाद जितने सार्वजनिक उपक्रम इस्पात क्षेत्र में खुले, सभी ने अपना विकास किया। मतलब जो कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, अपना एक्सपांशन किया, साथ साथ उस क्षेत्र का भी विकास किया। जो एक बहुत बड़ी योजना उस समय की सरकार ने सोची थी वो ये थी कि इस प्लांट के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, रोजगार मिलते और उस क्षेत्र का पूरा विकास करते थे। आप देख लीजिए भिलाई को देख लीजिए, आप राउरकेला को देख लीजिए, दुर्गापुर को देख लीजिए, विशाखापट्टनम को देख लीजिए। इस्पात संयंत्रों ने अपना भी विकास किया और क्षेत्र का विकास किया, उससे पूरे समाज का विकास हुआ, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ। यह सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से संभव है और हमारा प्रयास आज भी वही है। हम विनिवेश का विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका रणनीतिक समायोजन किया जाए जिससे सरकार को भी लाभ हो और एक माहौल हमेशा पॉजिटिव में बना रहे, जो देश के एक आज की तारीख में सार्वजनिक उपक्रम देश के लिए रीढ़ की हड्डी है, देश के विकास के लिए, वो हमेशा उस बात को साधित करते भी रहें। कोरोना काल में भी आपने देखा कि देश के जितने पीएसयू ने सबने बढ़ चढ़ कर देश में अपनी सेवाएं दी, तो मैं उस बात को मानता हूँ कि सार्वजनिक उपक्रम में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो मोनोपोली बढ़ जाएगी, स्टील के रेट बढ़ जाएंगे और ऐसे स्टील के आइटम्स जो शायद मार्केट में जिसका रेट में उफान बढ़ जाए। हमको सार्वजनिक उपक्रमों को इस मामले में ध्यान रखते हैं कि हम तो जनभावना पर चलते हैं, देश के आर्थिक विकास के लिए हमेशा एक आयाम रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये सार्वजनिक उपक्रम हमेशा बने रहें और विकास करते रहें। सर, बीएसपी के राव घाट माइनिंग प्रोजेक्ट की लगातार बात चलते रहती है, उसको शीघ्र पूर्ण करने के किस तरह के प्रयास हैं जिससे बीएसपी को लाभान्वित मिल सके आने वाले समय में? राव घाट परियोजना क्रांति लाइफ लाइन है और सिटी का वही बीएसपी का शुरू से मानना रहा कि इन परियोजनाओं का सही समय पर चालू होना बहुत जरूरी था और दुर्भाग्य की बात यह परियोजनाएँ काफ़ी लेट हुई, कई वर्षों से इस पर काम हुए, लेकिन हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। जब हमारी टीम 2019 में वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलने की, हमारा पहला प्रश्न सवाल ये था कि इस पर आपका सहयोग चाहिए, उन्होंने उसके लिए जो भी सहयोग होता है हम लोगों ने कोरोना काल में प्रयास किया और पूरे जो पेपर्स थे, डॉक्यूमेंट थे, जो क्लियरेंसेस थे स्टेट से, वो मिल चुके हैं आज की तारीख में। हमारे कलवा नागर माइंस में भी क्लियरेंस मिल चुके। रावघाट परियोजना आने वाले समय के लिए, भिलाई के भविष्य के लिए सबसे प्रमुख है। अगर रावघाट से जितना जल्दी हम आयरन रोड निकाल पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे। आज की तारीख में 0.3 MT का हम लोग ने एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट चालू किया हुआ है, उसमें आयरन रोड मिल रहा है, वहाँ पर रेलवे लाइन पहुँच चुकी है। हमको वहाँ पर कुछ पेड़ों को कटना बाकी है, उसके लिए हम लोग प्रयास रहते हैं। हम लोग ने फॉरेस्ट मिनिस्टर से, PCCF से कई बार मुलाकात की, ओए के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी आकर की है और हम लोग ये प्रयास रहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र ए ब्लॉक में पेड़ कट जाए और वहाँ पर काम चालू हो। अभी तो करीब 35,000 पेड़ कट भी चुके हैं, तो ये हमारा प्रयास रहेगा जितनी जल्दी ये परियोजना पूरे स्वरूप में आएगी, विलासपुर संयंत्र का उत्पादन उत्पादकता भी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा और इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास इस पर निर्भर करता है। वहाँ का विकास भी होगा जहाँ ये परियोजना चालू हो रही है, जहाँ ये परियोजना आएंगी उस क्षेत्र का विकास होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि ये ऐसा माहौल हुए बीएसपी द्वारा बनाया जाए ताकि वहाँ के लोग भी इस बात को समझें कि ये वो आयरन और वहाँ से जितना उद्योग होगा वहाँ का विकास उतना जल्दी होते जाएगा, क्योंकि वहाँ की रॉयल्टी बढ़ेगी, स्टेट को बेनिफिट होगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये प्रयास हम लोग का, हमारी पूरी टीम पिछले ही मैंने हम लोग ने रावघाट का विजिट भी किया था, तो हमारा प्रयास है शीघ्र से शीघ्र इसमें कामयाब होता है। सर, सेल अधिकारियों के मकान भत्ते और DPI को लेकर के किस तरह का प्रयास किया जा रहा है जिससे अधिकारी लाभान्वित हो सके? मकान के लिए जो HRA हमारे जो शुरू से योजना थी सेल में, हम लोग ने जब भी ज्वाइन किया, हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर में लिखा था कि HRA आपको दिया जाएगा, तो HRA को लेकर कहीं ना कहीं भ्रांति 2013 और 2014 में हुई और उस समय जो भी परिस्थितियाँ रही, सेल प्रबंधन ने ये निर्देश दिया, ये गाइडलाइन दी कि HRA तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। लेकिन उस दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बहुत सारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने अपने मकान
प्राइवेट टाउनशिप में बना लिए थे, और जरूरी भी है क्योंकि आज 50 साल होने के बाद वो मकानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, जो BSP मकानों की हालत में सुधार करना बहुत जरूरी है। तो जिनके अपने खुद के मकान है उन्होंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेके यह सोच के मकान बनाए कि HRA मिलेगा, और HRA इमीडिएटली बंद कर दिए गया, तो एक एनोमली जनरेट हो गई कि किसी उन्हीं के साथ के लोगों को HRA मिलता है और उनको नहीं मिलता। तो ये दुर्भाग्यजनक घटना के बाद हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और मैनेजमेंट से आग्रह किया, इस्पात मंत्रालय से आग्रह किया कि HRA की पॉलिसी बनाई जाए कि जिसके तहत आपके मकान भी सुरक्षित रहे और जिनके प्राइवेट कॉलोनी मकान उनको HRA मिल पाए, और थर्ड पेज को HRA मिलना बहुत जरूरी है। तो कंपनी इस दिशा में कार्य करके हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, शीघ्र से शीघ्र थर्ड पेज के HRA सभी को मिले और एक पॉलिसी के तहत मिले। पॉलिसी बनने से हमारे मकान भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारी टाउनशिप में आज की तारीख में ऑन रिकॉर्ड 30,000 से ज़्यादा मकान है, उनको भी रखना जरूरी है, उनको सहयोग रखना जरूरी है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि HRA इस तरीके से दिया जाए ताकि जो लोग मकान बना चुके हैं, आने वाले भविष्य मकान बनाते हैं, उनको सेवाओं के बाद, कुछ सेवा साथ सेवा करने के बाद HRA के लिए एलिजिबल हो जाए, तो हमारा हमेशा प्रयास है और उसमें हम कामयाब होंगे, या सिर्फ आशा रखता हूँ। सर, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि 30 साल पूर्व तक जो सत्यनारायण चिकित्सालय है, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, उसमें सर दूर दराज के क्षेत्रों से विभाजित मध्य प्रदेश था, सब मध्य प्रदेश तक दूर दूर के जिलों से लोग आते थे, लेकिन चूंकि अभी सर पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि ये सत्यनारायण हॉस्पिटल रेफर सेंटर बन के रह गया था, क्योंकि जो पहले उस वक्त जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की यहाँ मौजूदगी रहती थी वो सर अब देखने को नहीं मिली, ट्रेनिंग डॉक्टरों के भरोसे, ट्रेनिंग डॉक्टर्स के भरोसे अस्पताल को छोड़ दिया गया, जिससे BSP कर्मियों के साथ साथ जो रिटायर कर्मी प्लस जो नॉन BSP है जो इलाज रहते हैं उनको सर बड़ी तकलीफ होती, क्योंकि निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च काफ़ी ज़्यादा है, BSP में भी है हालांकि, लेकिन निजी अस्पतालों की अपेक्षा कुछ कम है। तो सर सत्यनारायण अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर के किस तरह का सर प्रयास किया जाएगा जिससे लोग पूर्व की भांति सत्यनारायण अस्पताल को देख सकें? एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और ये सच्चाई है कि जो पहचान सत्यनारायण की आज से 10-15 साल पहले या उससे पहले रहा करती थी, उस पहचान से हम बाहर हो चुके हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो रायपुर में नए मेडिकल हॉस्पिटल आए, इंस्टीट्यूट्स आए, और छत्तीसगढ़ राज्य में जो हमारी हॉस्पिटल की पहचान थी वो धीरे धीरे कम हुई। उसका दूसरा कारण है कि आज की तारीख में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या अपने और दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो पे स्केल देते हैं, जो सर्विस देते हैं डॉक्टर्स को, वो शायद हम नहीं दे पाते स्पेशलिस्ट के लिए। स्पेशली हम लोग का प्रयास था, हम लोग ने पिछले 2 सालों में जरूर प्रयास किया कि रिक्रूटमेंट निकले भी, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया लेकिन काफ़ी लोगों ने छोड़ा भी। हमने छोड़ने के कारण में पता किया कि आज की तारीख में ठीक है हमारा पहले 13 जन नहीं था, लेकिन 2021 में 13 जन हो गया, हमारा इसके रेटवर्क महारत्ता है, दूसरे के बराबर है, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं आए या छोड़ कर चले गए। उसके कारण यही है कि आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हम काफ़ी अच्छा है, सर्विस अच्छी है, अपने हिसाब से वो काम कर पाते हैं। वो आज सार्वजनिकों में हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो काम नहीं कर रहे थे, हम लोग ने एक ही प्रयास किया है, उस प्रयास में थोड़ा सफल भी हो पाए, ये प्रयास किया कि कुछ टाइल्स बड़े हॉस्पिटल से किया जाए ताकि उनके विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे यहाँ आकर लोगों को देख पाए और किसी तरह की कोई परेशानी कार्मिकों को और पूर्व कार्मिकों को ना हो, उस पर प्रयास किया है, उसमें कुछ सफलता मिली भी, लेकिन ये सच्चाई है कि वो पहचान लाने के लिए हमको एक बेहद तरीके से सोचना पड़ेगा। हम लोगों ने प्रयास चालू भी कर दिया है, आप देखेंगे दिल्ली का टाइप हम लोगों ने बहुत पहले करा लिया था, आज एक बड़े प्राइवेट फॉर्म से उसका टाइप है, हमारे राजहरा माइंस में भी प्रयास किया जा रहा है कि बड़े हॉस्पिटल से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके साथ टाइप करें, उसको आउटसोर्स करके हम उसको चला पाएँ, क्योंकि वो आज के टाइम हम लोग उतने डॉक्टर नहीं कि हम उसको मैनेज कर पाएँ। और तीसरा प्रयास हमारा है कि हम लोगों ने पहला प्रयास किया था कि डॉक्टरों की एज बढ़ा दी जाए जो सभी मित्रों में काम करता है, तो उस पर प्रयास जारी है हमारा, हमने पिछली बार जब इस्पात सचिव मिला जाए तो उस पर चर्चा भी की। अभी हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम हमारे DNB को हम रोक पाएँ, तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स के साथ रिटायरमेंट के वो 3 से 5 सालों का होता है कि हमारे DNB हमारे साथ रिटायर हो पाए, तो इससे प्रयास जारी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रयास यही होगा कि हम लोग अब इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को एक टाइप के साथ, चाहे वो एम्स के साथ हो, चाहे किसी बड़े हॉस्पिटल के साथ हो, वो टाइप करके यहाँ पर वो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका उपयोग किया जाए ताकि रेफरल कम से कम हो, क्योंकि इतने दूर आप चाहे रायपुर रेफर करें, चाहे नागपुर रेफर करें, चाहे बेलो रेफर करें, जो भी एक परिवार होता है जिस जो बीमार होती है तो उसको परेशानी, जिसके परिवार को परेशानी होती है, तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि वो वापस पहचान पाने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सही उपयोग किया जाए। और हम बड़े टाइप्स के साथ, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स के साथ दो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ बैठा है, और यहीं जो भी ऑपरेशन वगैरह होते हैं जहाँ तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ हो सके वो यहाँ किया जाए, जो बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन होते हैं उसके लिए लेवल किया जाए, ये प्रयास हमारा है और हम लोग काम भी कर रहे हैं। सर अंतिम सवाल आपसे ये, क्योंकि BSP प्रबंधन द्वारा
लगातार सर अभी करोड़ों रुपए की जमीने थी उनको कब्जा मुक्त कराया गया है। अधिकांश कार्रवाइयों में आप नगर सेवा विभाग की टीम के साथ मौजूद रहे। सर अभी भी देखने को मिल रहा है कई स्थानों पर ऐसे अतिक्रमण है जिन पे क्योंकि पूर्व में कार्रवाई लगातार जारी थी, अब पिछले कुछ महीनों से कार्रवाई बंद है, इसकी वजह से कब्जेधारियों के हौसले बुलंद है। पुनः सर जो जो जगह खाली कराई गई उन स्थानों पर भी अतीत से कब्जे होने की शिकायतें प्राप्त हो रही, तो सर इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दबाव है जिसकी वजह से इस कार्रवाई को बंद कर दिया या कुछ या कोई और कारण है? ये बहुत ही सच्चाई है आपकी बातों में कि जो भिलाई की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बदली है पिछले वर्षों में, कई वर्षों में मैं बता अभी की बात, पिछले कई वर्षों में कब्जे बढ़ते गए और शायद उन्होंने तत्कालीन जो भी प्रबंधन था उसने इसको ध्यान नहीं दिया, चाहे नगर विभाग के लोग थे या हमारे डीएसपी प्रबंधन के प्रमुख लोग थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन पिछले दो वर्षों में हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया वही के माध्यम से, क्योंकि हमसे सहयोग मांगा गया, हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने राज्य सरकार से भी प्रयास हेल्प मांगी, शासन प्रशासन से भी हम लोगों ने हमेशा अनुरोध किया कि इस पर, और उसका सहयोग हमको मिला। ये पिछले एक डेढ़ साल में बाद देखेंगे कि हम लोगों ने बहुत सारे अवैध कब्जे खाली कराए, कई जमीनें हमने खाली कराए, कई जगह अवैध निर्माणों को रोका गया, लेकिन आज भी कई जगह अवैध निर्माण आज भी कायम है। और मैं यही कह सकता हूँ सर कि ये हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे राजनयिकों को सोचना चाहिए, जो चाहे वो केंद्र शासन के अधीन हो चाहे राज्य शासन के अधीन हो, कि ये अवैध कब्जे आने वाले समय में एक नासूर साबित होंगे, क्योंकि ये सच्चाई है कि हमारे बहुत सारे भवन खाली हैं, हमारे मकान खाली हैं। मैंने प्रबंधन से भी निवेदन किया है कि आप मकानों को लाइसेंस पर दीजिए हमारे रिटायर्ड कर्मियों को, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैंने सबकी आप उसको खाली छोड़ें और अवैध कब्जे नहीं, क्योंकि अवैध कब्जे को हटाने के समय सर ये सच्चाई की राजनीति होती है, किसी भी पार्टी के लोगों अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण हम उसको हटा नहीं पाते और कहीं ना कहीं उसका विरोध होता है, और हम लोग को अपना ऑपरेशन प्लान चलाना हमारा सबसे बड़ा दायित्व था, हमको बाधाएँ आती हैं। ये सच्चाई है कि पिछले दो वर्षों में हमने बहुत प्रयास किए, काफ़ी कब्जे खाली भी किए हैं, करीब करीब 65 एकड़ जमीन हम लोगों ने खाली कराई है, कई ऐसे कब्जे खाली किए जो आज की तारीख में इतिहास भी बने हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए पूरा जमीन जितने भी रिकॉर्ड में है वो जो अवैध कब्जे में खाली हो और जितने मकान अवैध कब्जे में खाली किए जाए और जो पुराने भवन उनको गिराया जाए, तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है हम लोग को जरूरत पड़े तो हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे, कहीं भी ऐसे कब्जे हैं जहाँ पर हमको लड़ने की जरूरत पड़ी, वो जिस पर हमेशा अपने नगर सेवा के साथ खड़ा है, और हम लोगों ने पूरा रिक्वेस्ट भी किया, जो सच्चाई है कि 2-3 महीने में जो रुके हैं उसके कारण ये है कि हमारे नगर विभाग में हमको अपनी टीम बढ़ानी पड़ेगी, और जो भी माहौल बना हुआ है उस माहौल में शायद लोग देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव है तो पुलिस प्रशासन उतना सहयोग भी नहीं कर पाता, लेकिन हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि धीरे धीरे जो कब्जे हुए हैं भवनों को और मकानों को खाली करने का प्रयास हमारा चलता है। और ये चुनाव के बाद तो मैं आपको बिल्कुल इस बात पर कहता हूँ कि इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट जाएंगे, और आप सबके माध्यम से मैं मीडिया के माध्यम से भी ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसे राजनेता जो उन कब्जे कब्जों को बढ़ाते हैं उनके विरोध में लोग खड़े हों, और ऐसे विरोध में जब लोग खड़े होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। समाज के लोगों को समझना चाहिए कि ये सार्वजनिक क्षेत्र की जमीन राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति पर कोई कब्जा करता है चाहे वो किसी भी पार्टी का हो चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, उसका हमेशा विरोध होना चाहिए, और अगर जनता साथ रहेगी, जनता से ज़्यादा सबसे बड़ी होती है, अगर वो साथ देगी 100% आप मान के चलिए ये कब्जे हट जाएंगे, और हमारा पूरा विश्वास है कि जनता ज़्यादा भिलाई की जनता बहुत बुद्धिजीवी है, इस मुद्दे पर हमेशा हमारे साथ रहेगी, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, हम लोगों ने यूनियनों को भी अपने साथ जुड़ा हुआ है, एक संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है। मैं आपको यह कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अवैध कब्जे के लिए हटाने के लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं, प्रयासरत रहेंगे, और भिलाई को एक स्वच्छ भिलाई, सुंदर भिलाई और सुरक्षित भिलाई बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंचोर जी और महासचिव परविंदर सिंह जी, जिन्होंने बीएसपी हम से जुड़े तमाम सवालों के स्पष्ट रूप से जवाब दिया। साथ ही अभी तक बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अधिकारियों के हित में जो कार्य किए गए उसकी जानकारी दी, साथ ही जो अभी लंबित कार्य हैं जिन्हें पूरा करने की बातें कही जा रही है, आने वाले समय में निश्चित ही सेवानिवृत्त कर्मचारी और सेवारत कर्मचारी दोनों ही कर्मचारियों और उनके परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। यही वजह है कि अपने हितों को देखते हुए वे की कार्य प्रणाली को देखते हुए अधिकारियों द्वारा पुरानी टीम पर विश्वास जताते हुए इन्हें फिर से काबिज किया गया। आने वाले समय में अधिकारियों के हितों पर जो नरेंद्र मंचोर जी की टीम है वो कितनी कारगर साबित होती, कितना सफल हो पाती, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।